में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। वीडियो में देखा जा सकता है राजस्थान के शहर की तरफ बढ़ रहा है एक बड़ा रेत का बवंडर। असम में गोमांस बेचने के शक में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा गया। मैं राजनीति का दामाद हूँ, दूल्हा बनकर नामांकन करने पहुँचे प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के चूर शहर में रविवार को आए रेत के बवंडर का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें रेत की बड़ी चादर शहर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार यह रेतीला बवंडर करीब रेगिस्तान से शुरू हुआ था। स्थानीय किसानों और इमारतों को इससे नुकसान हुआ, लेकिन जान के नुकसान का कोई खबर नहीं आई है। असम के विश्वनाथ जिले में गोमांस बेचने के शक में शौकत अली उम्र 68 साल को भीड़ द्वारा पीटने और कथित तौर पर सुअर का मांस खिलाने की खबर सामने आई है। सामने आए वीडियो में शौकत को घुटने के बल बैठे देखा गया, जिसमें लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास गोमांस बेचने का लाइसेंस है और क्या वह बांग्लादेशी है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में दूल्हा बनकर नामांकन करने पहुंचे संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी वैद्य राजकिशन ने कहा, मैं राजनीति का दामाद हूँ, दुल्हन 28 मई के बाद आएगी। उन्होंने बताया कि शादी की वर्षगांठ होने के कारण वह दूल्हा बने हैं। गौरतलब है कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किशन आरती पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे थे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।